जालौन में पकड़ी गई 50,000 की फेक करेंसी, पुलिस ने 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जालौन में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें बांग्लादेश व पाकिस्तान के रास्ते भारत में जाली नोटों का व्यापार करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी के पास से 50 रुपए की जाली नोट पकड़े और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बता दें, पूरा मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र का, जहां पर पुलिस ने 50,000 रुपए के जाली नोट पकड़े। दरअसल नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले में सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने प्रतापपुरा मोड़ कस्बा जालौन से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये शातिर अपराधी पश्चिम बंगाल से जाली नोटों को अन्य राज्यों में खपाने का काम कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जाली नोटों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जाली नोटों के साथ 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए। ये आरोपी 50 रुपए में 100 रुपए का नोट खरीदा करते थे। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले की तफ्तीश कर इसके पीछे मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने की बात कही। पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने जालौन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग 100 रुपए की जाली नोट को चलाने की योजना बना रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने 5 अभियुक्तों के पास से जाली नोट पकड़े हैं। उनसे पूछताछ जारी है। उनसे आगे पूछताछ की जाएगी। यह नोट कहां से लाते थे जो अभियुक्त पकड़े गए हैं? यह जनपद जालौन के यहां। यह करेंसी कहां प्रिंट होती है, कहां से रुपए आते हैं, इसकी भी जानकारी की जा रही है। सर, जालौन पुलिस ने कैश बरामद किया है, कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, किस तरीके से पकड़े गए, क्या मामला है? जालौन पुलिस द्वारा एक गुड वर्क किया गया है। जालौन पुलिस को थाना कोतवाली जालौन को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जाली करेंसी 100 रुपए के जाली नोट चलाने का प्रयास कर रहे हैं मार्केट में। इस सूचना पे वर्क किया जालौन पुलिस ने और उनको पकड़ा और उनसे 50,000 करीब 50,000 की जाली करेंसी, नकली 100 रुपए के नोट बरामद हुए। 5 अभियुक्त पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ जारी है और आगे सस्टेन्ड इंटरोगेशन भी हम करेंगे ये पता लगाने के लिए कि ये करेंसी कहाँ से लाए थे, कितने में लाए थे। जो अब तक सूचना है, ये 100 रुपए का नोट करीब 40 या 50 रुपए में खरीदते हैं और उसे 100 रुपए में आगे मार्केट में चलाने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें उनसे हम लोग अभी और इंटरोगेशन में पता करेंगे। बाकी ये अभियुक्त जो पकड़े गए हैं, ये सब हमारे जिला जालौन के ही रहने वाले और किसी के माध्यम से ये बाहर से पैसा मंगवाते थे। किसके माध्यम से और कहाँ से मंगवाते थे, ये जाली करेंसी कहाँ प्रिंट होती थी, जो नोट हैं उनकी, उनका देखने से ही आप जो आम आदमी, आम जो जागरूक नागरिक होता है वो समझ जाता है। और इसी तरह हमें सूचना भी मिली थी कि कुछ लोग जाली करेंसी चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो बिल्कुल मिसिंग हैं, जो हमारे 100 रुपी नोट के होते हैं। तो आम आदमी को जागरूक रहना चाहिए और कोई भी ऐसा प्रयास करता है जाली करेंसी चलाने का तो पुलिस को सूचित करे, पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई करे। सर, जिस तरीके से बताया गया कि ये लोग बांग्लादेश से मंगवाए थे पैसे, जो है किस तरीके से क्या होता था और किस तरीके से चेकिंग के दौरान पकड़ा गया? अभी ये सस्टेन्ड इंटरोगेशन में और चीज़ें आएंगी। अभी तो हम कोर्ट में पेश करेंगे, उसका PCR लेंगे क्योंकि इंटरोगेशन के लिए उतना टाइम नहीं मिला। अभी तो ये प्राइमरी फेसिया ये चीज़ें निकल के आई हैं, बाकी और इंटरोगेशन से सारी कड़ियाँ साफ होंगी। कहाँ ये पैसा प्रिंट होता था, किस माध्यम से इनके पास आता था और कितने में ये लोग लेते थे और कैसे इसको किन मार्केटों में, ये छोटे कस्बों में और गांव में चलाने का प्रयास करते हैं इसीलिए छोटी करेंसी लेते हैं। सर, इनके और कितने साथी हैं? अभी ये 5 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। इनका काम था इनको पैसे को 100 का नोट को 40-50 रुपये में खरीद के आगे छोटे कस्बों में और गाँव में छोटी छोटी दुकानों में से छोटा छोटा सामान खरीदने का। अभी पूरा गैंग वर्कआउट करने में टाइम लगेगा और इसमें कितने सदस्य हैं ये सब आगे के इंटरोगेशन से क्लियर होगा।